नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जी हां, उन्होंने कह दिया है कि आगे भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, यानी कि जदयू का कोई भी जीता हुआ सांसद मोदी कैबिनेट में नहीं शामिल होगा। शिवानंद तिवारी राजद के सीनियर लीडर हैं, वो नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। ठीक है, उनका कहना है कि माने अगर फिर से हम शामिल होंगे, प्रस्ताव नया आएगा तो लोग कहेंगे कि देखिए मैंने उनको एक मिल रहा था इसीलिए नहीं शामिल हुए, अब ज़्यादा मिलने लगा तो शामिल हो गए। वो उन्होंने ठीक ही कहा है, ठीक कहा है, अच्छी बात है। ये समय विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हम एकजुट ही रहेंगे, क्या इससे महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? अभी तो उनकी मर्जी है ना भाई, महागठबंधन से लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो उनको डिसाइड करना है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने जो है वो क्या नाम है कह दिया कि हम जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। तो इतना प्रचंड बहुमत मिला है एनडीए को, उसमें कोई घटक दल जो है अलायंस पार्टनर जो है इस तरह की बात कर रहा है तो इसका संदेश तो यही ना गया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब लोग आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो माने शंका के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि आपकी सरकार कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। इसके अलावे जो है नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि 370 के बारे में, 35A के बारे में, इन्फॉर्मेबल कोर्ट के बारे में हमारी राय जो है वो सब लोग जानते हैं। जबकि इस चुनाव अभियान में हम लोगों ने देखा कि अमित शाह जहाँ जहाँ गए उन्होंने कहा कि 370 हम ख़त्म करेंगे, 35A हम ख़त्म करेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, ये सारी बात वो कहते रहे। आगे जो है अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो टकराव और बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल इस उनके बयान से ये स्पष्ट है। तो शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को सही बताया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि गठबंधन यानी कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज़ वेल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक मत नहीं है, जिनको नीतीश कुमार के मशवरे से इतर फैसला करने के बाद उन्होंने कही। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।